वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने 500 ग्राम गाजर लिया था, उसे मैंने अच्छे से धो के छील के ग्रेट कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं करीबन 2 चम्मच जितना घी डालूँगी और इस घी को हमें गर्म होने देना है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं ग्रेट किए हुए गाजर इसमें डाल दूँगी। आपने गाजर का हलवा तरह तरह से बना के खाया होगा, एक बार इस तरह बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसे घी में भून लूँगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक के पकाऊँगी। मैंने बीच में इसको हिला के एक दो बार हिला दिया था। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। मैंने करीबन 200 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क डाला है। मैंने अमूल का जो मिठाई मेट आता है उसका हाफ टीन इसमें डाला है। ये 400 ग्राम का टीन आता है, उसका हाफ मैंने 200 ग्राम डाला है। अब इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चूँकि कंडेंस मिल्क में दूध और शक्कर दोनों ही होता है, इसलिए अलग से हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं कुछ कटे हुए काजू और किशमिश डाल दूंगी और इसे दोबारा चला दूंगी जब तक ये सूख नहीं जाता। इसे हमें लगातार हिला के सुखाना है ताकि ये नीचे से चिपके ना। अगर गाजर का हलवा नीचे से जलने लगेगा तो इसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आप देख सकते हैं ये एकदम से सूख गया है और एकदम अच्छा कलर भी आ गया है इसका। अब मैं इसमें इलायची का पाउडर डालूंगी। इलायची का पाउडर पीसते समय उसमें कुछ दाने शक्कर के डाल दिए जाएं तो वो बहुत जल्दी पीस जाता है। अब मैं थोड़ा सा घी और शामिल कर दूंगी ताकि इसमें ऊपर से शाइन आ जाए। ये बिल्कुल रेडी है। बिना मावे के गाजर का हलवा आप कंडेंस मिल्क से बना के देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी भी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।